पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाई किसी भी धार्मिक आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश लेवल पे सारे धर्म बराबर हैं। हमारे देश में सभी संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, बहुत अमन शांति और प्यार के साथ रह रहे हैं। तो इसलिए कि राम के नाम पर राजनीति या फला के नाम पर राजनीति अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। मैं बहुत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे करे तो बहुत लोगों ने शिकायतें करी, भाई हर वर्ष रावण का पुतला फूंकते हैं। इस सृष्टि का सबसे प्रकांड विद्वान अगर रहा है तो रावण रहा है, जिन्होंने 13 साल की उम्र में रावण संहिता लिखी, 15 साल की उम्र में सारे युद्धों में पारंगत हुआ, और जिसकी नाभि में अमृत का कुंड था वो राक्षस कैसे हो सकता है? उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया। बहुत हमारे सामने लोग कहते हैं कि मखौल बना दिया, बुराई का प्रतीक बना दिया रावण को, और रामचंद्र जी को भगवान बना दिया। इससे ब्राह्मण समाज आहत है, अंदर से आस्था की वजह से नहीं बोलता लेकिन आहत है। दरअसल उस जमाने में क्षत्रिय राज था, रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थे, तो नेचुरली भाई उन्हें जो भी उन्होंने किया अच्छा किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं ऐसा रावण ने क्या किया जो गलत था? कुछ भी ऐसा नहीं किया जो गलत हो। अगर उन्होंने सीता जी का भी हरण करा तो अशोक वाटिका में रखा, पूरे सम्मान के साथ रखा, और रामचंद्र जी ने उन्हीं सीता जी को वनवास दे दिया, अग्नि परीक्षा के बाद वनवास दिया। मुझे दुख है कहते हुए, कई जगह ऐसी हैं जहां नीति का प्रयोग करा, भाई को भाई से लड़ाया, सुग्रीव को बाली से लड़ाया, विभीषण के सारे राज लेकर रावण को परास्त करने की कोशिश करी। बहुत सारी ये विवादित है, एक जग जाहिर है, लेकिन हम तो ये है हमारी आस्था, इस कदर देश में हमारी आस्था का ऐसा प्रश्न है, ऐसी जुड़ी है कि जो चीज पहले से परंपरा चली आ रही उस पर ही हम अकाट विश्वास रखते हैं। अंधभक्ति, भक्ति अच्छी बात है लेकिन अंध ठीक नहीं, अंधभक्ति ठीक नहीं है मेरा मानना। सभी लोगों से निवेदन करूंगा इस पर विचार करें, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर रावण भगवान आप मानते हैं तो राम भगवान मानते हैं तो रावण भी ऐसा नहीं है कोई सामान्य व्यक्ति था। रावण संहिता लिखी उन्होंने, बहुत प्रकांड विद्वान था, ये शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। और रावण की निष्ठा को, क्योंकि अगर जरा सा भी गलत होता तो उसका परिवार ही क्यों मानता? उनकी एक आवाज पर कुंभकर्ण, एक आवाज पर सारे भाई उठ के मरने के लिए चले गए, किसी ने विरोध नहीं करा। विरोध सबसे पहले अगर आदमी गलत होता तो उसके घर में होता है, तो उसकी घरवाली भी विरोध कर देगी अगर गलत काम करेगा, उसके भाई विरोध करेंगे, उसका परिवार विरोध करेगा, उसके बाद उसका मोहल्ला या गांव विरोध करेगा। रावण का किसी लंका के एक व्यक्ति ने विरोध नहीं करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।